Welcome to the show. अब क्या ख्याल है बच्चा भाग जाएंगे नहीं? थैंक यू सो मच। 25 साल में तो गए नहीं, अब कहाँ जाने। प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है जैसे आप बाहों में बाहें डाल के दोनों तशरीफ ला रहे हैं। कैमरे के लिए था स्पेशली। क्या कहने वसी भाई, बट साहब को देखा तो मैडम नूर जहां जी की याद आ गई। हाँ, मेरा ख्याल था कि हम उस पर अगले मरले पे बात करेंगे, लाजवाब है, मगर उनकी नस्बत अब ऐसी है कि वो सारी दुनिया जानती है। क्या बात। मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ जो नहीं आशना है कि बट साहब जो हैं वो नवासे हैं मोहतरमा नूर जहाँ साहबा की, मैडम नूर जहाँ। मगर लाजवाब आज जो हमने आपको इन्वाइट किया खास तौर पर आपके हवाले से किया, उस हवाले से बहुत सारी। यस यस यस, मैं मैडम को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ। हो माही आवेगा मैं फुला नल धरती सजावांगी, हो नू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगी आखियां। अच्छा बच्चा, मैंने अगले मरले में कुछ सवालात कर रहे थे मगर अब ये शजर ने छेड़ दिया है जिक्र। अमूमन ये होता है कि औलाद में भी ना बाज़ुकात एक खास तरह की एक जज्बा पैदा होता है कि भाई हम हमारी पहचान जो है हमारे बुजुर्गों से है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी अपनी पहचान से पहले हमें बुलाया जाए। तो आपको कभी होता है, हर जगह तो यही होता होगा कि भाई मैडम नूरजहां के नवाज़ से? नहीं जी, टू बी ऑनेस्ट कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं। इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर सिंस हमारे बचपन से लेके अब समझ लें बुढ़ापा आने वाला है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बुजुर्गों का बहुत अच्छा। मैं आपको आज ये मैडम का गाना अपने लिए सुन के शायद मुझे भी लगा है ना। नहीं, मेरी बेगम मुझे बहुत रेगुलरली मेरी नानों के गाने सुना रही है, क्योंकि मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ कुछ दुआएं पढ़ने के बाद, सबसे पहला गाना जो होता है नूरजहां जी का होता है। दो तीन गाने उनके मुझे बहुत पसंद है जो मेरे प्ले लिस्ट में, मसलन मसलन एक है जो न मिल सके वही बेवफा है, फिर मैं तो मेरे दिल भर जानी, आई लव दैट। फेसबुक पे बल्कि हमारी एक एल्बम बनाई है उसका नाम, आई लव दैट सॉन्ग, मेरे दिल भर जानी। और तो आप व्हाट्सएप के लिए कौन सा गाती हैं जो न मिल सके? मैं तो कुछ भी नहीं गाती, मैं सुना देती हूँ। कौन सा पहले? तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ दिल भर से, उसके बाद जो न मिल सके भी आ जाती। तेरे तीन गानों में सफर पूरा तय हो जाता है। तीसरा कौन सा? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। अरे आई लव दीस थ्री, मतलब सारे गाने बहुत अच्छे, नहर वाला पुल हो गया, बाकी बहुत अच्छे हैं। ये तीन गाने जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैम अगर किसी और का गाना सुने तो मसाला तेज हो जाता है क्या? बात नहीं, मसाला फिर रही जाता है ना, वो ना खुशबू रहती ना कोई, फिर कहती जो मर्जी कर दे रहे हो। मैडम नूरजहां जैसी ओरिजिनलिटी कहाँ से लाएंगे? ना वैसी गायकी रही, ना वैसे मसाले रहे। वो पूरा ना एक, मतलब इट वाज ऑफ कोर्स उनकी आवाज थी, लेकिन वो एक कंप्लीट पैकेज था ना, उनका ऑरा इस तरह का था। एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी, है ना व्हाट्सएप सर? मैंने तो 1982 में पाकिस्तान बनने के बाद वो इंडिया एक दफा गई थी। जी 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 जी, जब दरीब साहब ने उनका तारुफ कराया था और देखा। दिलकश दिलफरेब हस्ती से फिर मिलना अगर मुयस्सर हो तो इंसान की अक्ल, उसका इदराक, उसके अल्फाज जो हैं उसके एहसास की तर्जुमानी नहीं कर सकते। लकीली मैं उस टाइम पे 7-7.5 साल था। अच्छा अच्छा अच्छा। आई ट्रैवल्ड विद हर। ओहो, हम ऑलमोस्ट एक महीना इंडिया रहे थे और इट वाज अनइमेजिनेबल द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जी 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 व्हिच शी रिसीव्ड ओवर देयर। और मेरी तो उस टाइम पे, मतलब हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन तमाम मतलब फिल्म एक्टर्स, सब पॉलिटिशियन, सबसे मुलाकात हुई थी वहाँ। इंदिरा ने भी बड़ी जी जी, मैडम इंदिरा गांधी से, फिर अमिताभ बच्चन साहब से, दिलीप कुमार साहब से तो डेली की मुलाकात होती थी, यश चोपड़ा साहब से, तो उन दिनों फिल्म सिलसिला की शूटिंग हो रही थी। वंडरफुल मेमोरीज। और जो एस्थेटिक्स की बात आप कर रहे हैं, और दिलीप साहब को यूसुफ कहती थी। जी जी, हम पुरानी वीडियोस देखे ना, यूसुफ जी ने इतनी प्यारी बातें की हैं जो मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, उनका जवाब नहीं दे सकती। दिलीप साहब को मेरे नाना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकत हुसैन रिजवी साहब ने लॉन्च किया था। सो ये लोग पार्टीशन से बहुत अर्सा पहले से They all knew each other. चूंकि फिल्म भी थी ना मैडम की दिलीप साहब, जुगनू। साथ
अच्छा मैं चूंकि अगेन फिर अगले मरले पे मेरा ख्याल था कि हम जरा आपसे नहीं मुझे मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ किसी लिए हम जरा जो आपका जो सफ़र है और जिस तरह से आप दोनों ने एक और मेरे ख्याल में बहुत जिसे मैं अगर ये कहूँ कि जिसे कहते हैं बहुत ही नौजवानी में नहीं अभी हाल ही में आप बिल्कुल वी स्टार्टेड इन 2014 यस यस और देखते ही देखते तो मैं समझता हूँ एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और लोगों को नौजवानों को और जो हमारे आपके जैसे जो मिडिल एज हैं उनको भी उससे सीखना चाहिए कि किसी वक्त भी आप कोई काम शुरू कर सकते हैं और शुरू करना चाहिए और उसे फिर कामयाब बनाने के लिए देयर इज नो एज फॉर स्टडिंग देयर इज नो एज टू डू एनीथिंग यू वांट कि आप दोनों को अचानक क्या सूझी कि भाई ये घर का है जब आपका ब्रांड ही बनाना था हमें तो तब भी आपके खाने मिल जाते हैं ठीक है ना और फिर पता लगा कि भाई ये घर का जो है वो हर एक जो है और एक्चुअली वी यूज्ड टू पोस्ट आल्सो नॉट मी अली यूज्ड टू टेक पिक्चर्स और पोस्ट करना जो मैं बनाती थी जैसे होता था कि आज ये बनाया जस्ट रैंडम लाइक नॉट इंटेंशनली नहीं था कि लाइक बताने हरी से बहुत खाएं थैंक यू सो वेरी मच तो बस हम लोगों ने इस तरह पोस्ट करने एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आर यू टेकिंग ऑर्डर्स आर यू डूइंग प्रोफेशनली तो मैं सोचती थी प्रोफेशनली तो मेरा इस तरह का खाना नहीं है फिर सडनली एकदम मुझे अली कहते मेरे दोस्त ने खाना बनवाना है सो आई यू एबल टू डू इट मैंने कहा अच्छा कितने लोगों के उसने कहा 10 मैंने कहा ये तो आम बात है माशाल्लाह से मेरे घर के देवर वगैरह सारे माशाल्लाह से कश्मीरी हैं तो मैंने कहा इतना तो खाना हमारा एवरेज बनता है इससे ज्यादा बनता है तो मैंने कहा ठीक है 10 लोग भी हो तब भी 20 का बनाना पड़ता है एग्जैक्टली और छोटी हांडी मैंने पकानी नहीं आती आधा किलो दी हांडी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे पकानी आए पहले ऑर्डर का पोस्ट किया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है जैसे हमें पता होता है एक किलो एक्चुअली एक किलो होता क्या है लोगों को नहीं पता लोग क्या करते हैं कि वो एक किलो जो लेते हैं उसको साफ करवाते हैं 850 ग्राम 750 तो वो इतना सा हम मैं साफ करके एक किलो गोश्त हमारे घर में जैसे आता है तो मैं इसी तरह ही देना शुरू होगी जो हमारे घर में बनता है सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस अच्छा लोगों को पता चला कि अच्छा ये बाजारी वाला काम नहीं है ये एक्चुअल घर का टेस्ट है नाम फिर कैसे आपके ज़हन में आया कि ये घर का है मेरा सबसे छोटा देवर कुकी हमजा माशाल्लाह से अहमद अली भट्ट से छोटे अहमद अली इन सबसे छोटा है तीनों भाइयों से छोटा है तो हम लोग बैठे हुए तो मैं एक दिन सोफे के पीछे खड़ा कहता है तो आप ये क्यों नहीं रखती ये घर का है अच्छा। मैं उसकी तरफ देखे मैं क्योंकि नाम है हाँ। तो कहता है जब आपसे कोई लेता है तो वो यही कहते हैं जी ये घर का है हाँ। तो व्हाई डोंट यू कीप दिस नेम ये घर का है आई सेड यार ये भी कहते हैं ये देखे बड़ा देसी भी है अब कुछ अरसे बाद ये YGKH बन जाएगा तो वो अच्छा। तो मैंने अब कभी सोचे मैं कहा ठीक है ये अब वो माशाल्लाह से ऐसा 10-12 सालों में नाम चला कि हर इट चुको तो ये घर का ये घर से घर तक पता नहीं कितने नाम शुरू हो गए सो दैट वाज द टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये घर का है क्या नाम है जी ये घर का है ये घाट का है जी तो ये फरमाइए कि भाई मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में हमने देखा कि भट्ट साहब बहुत ही गैर मामूली तौर पे आपका हाथ बटा रहे होते हैं तो ये भट्ट साहब ऐसे ही थे शुरू से नहीं नहीं मैं काम ना कर सकती अगर मेरे घर के जो मर्द है मेरे दो बेटे और भट्ट साहब की मुझे सपोर्ट ना होती मैं नहीं कर सकती थी अभी मेरे जो टैंट्रम्स होते हैं मेरे मूड स्विंग्स होते हैं जो काम का प्रेशर होता है ये बेयर करते हैं अच्छा भट्ट साहब वैसे भी किसी भी पार्टनर के मूड स्विंग्स को यानी कि समझना और फिर उसको लेके चलना बर्दाश्त करना उस पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं एक मुश्किल काम होता है को जाके उसके ऊपर अगर अपने कारोबार का भी प्रेशर है और उसको भी फिर फेस करना तो कैसे आप ये हैंडल करते हैं हर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि आप उस इंसान को चाहे वो आपका बेटा है चाहे आपके फादर हैं चाहे आपकी वो बेगम है उनकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना चाहिए एंड आई थिंक दूसरे से भी यही एक्सपेक्ट करें कि दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह की आप पर्सनालिटी बट सब आप हमेशा ऐसे ही सॉफ्ट स्पोकन थे शुरू से अब हो गए मेरे कर दिए गए बोलने लगे गरम गरम रीशा खा बैठे मतलब ताल लगा के भाभी के सामने कैसे मस्कीन शेर बन के बैठे इनफैक्ट अगर आप मेरे भाइयों से पूछेंगे तो प्रॉब्ली अभी तक उनका वो वही उनके जेहन में कि शायद मेरी तबीयत उसी तरह की है वो तो बड़े होंगे ना आप सबसे बड़े जी मैं हाँ तो वो तो फिर आपका हक है लेकिन नहीं अब मैं उनके साथ भी इस तरह नहीं हूँ इनफैक्ट मैं आपको वो जो तबीयत में कुछ ज्यादा ही ठहराव आ गया वो ठहराव कभी खत्म भी हो जाता है वो जैसे होता है वंस इन अ ब्लू मून फिर जो आता है फिर वो सारा चीज इकट्ठी होके ना वो बिल्डअप होके बस हो जाता है किस बात पे किसी भी बात पे लाइक अगर सो रहे
मेरी थोड़ी सी हाई पिच है, आई एम नॉट अ वेरी लाइक लो पिच नहीं है मेरी, इतनी हाई पिच है कि प्यार का इजहार भी इंज कर देने, आई लव यू, समझ आ रही है ना बिल्कुल ज्यादा ही हो गया आपके शो पे आके, ऐसा नहीं है, तैनु प्यार करना पड़ेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है, जो नौजवान काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं किसी भी नौयत का, किसी भी सतह पे ना, और एक बात दूसरे अगर मियां बीवी हैं और दोनों मिलके कुछ करना चाहते हैं, कौन सी तीन बातों का वो ख्याल रखें तो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं? सर अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप फ़ोन हर एक के पास है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, आप अपनी मर्जी का सोशल मीडिया सेलेक्ट करके कंसिस्टेंसी और थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, ये तो देखिए, ये तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक तरह से रवैया भी हो गया, और सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म्स है वो मीडियम्स हो गए ना, हाँ जी, इनके थ्रू आपने पहुंचना है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? उसके अलावा ये कि आपकी चीज अच्छी होगी, म्यारी होगी, वो खुद ब खुद बिकेगी। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, आपने फोकस करना है खाने पे, जो भी काम आपका है, कपड़े हो गए, सब्सटेंस कंटेंट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए। उसके लिए बहन क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आपके खाने में जायका होना चाहिए, पहली बात, क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम एक घरेलू खाना बनाते हैं, पुलाव हो गया, आलू गोश्त हो गया, उसको प्रेजेंट इतनी अच्छी तरह करें, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह हो, वो कहते हैं ना पहले हम आंखों से खाते हैं, फिर हम नाक से, ठीक है, फिर हम मुंह में डालते हैं खुशबू अच्छी, फिर हम मुंह में डालते हैं। सो ये तीन चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बट आप कोई कमी बेशी करना चाहेंगे बेगम साहब की बात? वो आपने ट्रेडिशनल जो टेस्ट है ना उसको आगे तक पहुंचाना है। उसको कैसे आप बरकरार रखते हैं हर मर्तबा? ये लकी थी क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा से सीखा, अच्छा, फिर इन्होंने मेरी दादी से सीखा, ठीक है, और उस टेस्ट को इन्होंने फिर जैसे समझ लें कि अपनी मेहनत के साथ और अपने उसको फिर प्रैक्टिस के साथ उसको एक रटा लगा लिया, समझ लें कि भाई अगर कोरमे का ये टेस्ट होता है तो उसको ही फिर आगे कंटिन्यूएशन, क्वालिटी कंट्रोल कोई ना कोई तो आप उसको फिर, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखे ना बहुत एक छोटी सी बात है जो समझने वाली बात है कि अक्सर लोग ना जैसे बच्चियां खाना बनाती ना वो भुनाई क्या करती है, भुनाई करती हैं और बस खत्म, बस घी आया तो खत्म, जबकि मेरी अम्मी ने टिप दी थी भुनाई करते हुए, जब मसाला आप चम्मच पे लेके आए जब तक चम्मच पे बबल्स ना आए छोटे छोटे तब तक भुनाई नहीं होती। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स जो कि मेरे जो आगे हेल्पर्स हैं उनको भी मैंने यही सिखाया है, सदियों का तजुर्बा है। भुनाई होती है हल्की आंच पे, उसको पकाते जाओ जब तक घी आपके चम्मच पे, आप जो बोटी वगैरह रखे तो जो घी के बबल्स आते ना, दैट इज द टाइम कि आपने उसके अंदर पानी डालना, शोरबा डालना, ये छोटी सी टिप्स हैं। शोरबे के लिए गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। सो ये चीजें ऑलरेडी मेरे अंदर फीड हो चुकी हैं। सो तभी कोशिश यही होती है माशाल्लाह से, ऑब्वियसली कंप्यूटर तो है नहीं हम लोग, लेकिन 85-90% चीज उसी तरह जाती है जो पहले किसी ने खाया था। बट्टा ने टाड़ी मार देना। आप दोनों से सवाल है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि दिल का रास्ता जो है वो मैदे के जरिए होके गुजरता है? दिल तक पहुंचने का लाजमी लग रहा है। बाकी अलग तुम्हारी शादी कैसी हुई थी? अच्छा जी, वो बड़े बड़े रोमांटिक शायद बातें होती होंगी, जिसे कहते हैं ना, मैं तो एक ही बात पे फ्लैट हो गया था कि जब हमारी बात होती थी तो मैंने इनको पूछा कि जी आपको क्या पसंद है। इनको कहाँ से आमद हुई कि इन्होंने कहा कि जी मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरे इन लॉज बैठे हों और मैं उनको खाना खिला रही हूँ। मेरे दिमाग में जिस तरह कार्टून में कैरेक्टर नहीं बना हुआ था, बल्ब जल उठते हैं, लो जी लॉटरी लगी मेरी, मैंने तो मिल गई। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। पुरानी कहावत है, पता नहीं अब
कितनी किस किस पे सादिक आती है कि नहीं आती, बट साहब पे बहरहाल सादिक आती है क्योंकि आयशा साहबा ने उनके दिल पे जो कब्जा है वो मैदे के थ्रू किया है। और कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा मोहम्मद अली भट्ट साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।